जान की आने की खुशी में हमने ये वाली सारी पार्टी करी। आए भाई घर से भागने जा रहा है। रियान घर छोड़कर भाग चुका है। तू पहला पहला प्यार। अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मैं तो ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ही। ब्लॉग स्टार्ट करते हैं भाई। 5:43 हो रहे हैं। आप सोच रहे होगे इतनी लेट ब्लॉग क्यों स्टार्ट करा है। तो गाइस हम आए हुए हैं बहुत ही बड़ी टेंशन के अंदर। भाई रियान घर छोड़कर भाग चुका है। अम्मी और रियान की फाइटिंग हो चुकी है। अब्बू ने कुछ कह दिया था, अरे हाँ बाबू ठीक है बैठ जाओ आप आराम से, तो इसी गुस्से में वो भाग गया था। अब अम्मी क्या कहना चाहती हूँ अपने लड़के के लिए, वो छोटी छोटी बातों पर घर छोड़कर चले जाता है। ये तो मुझे पता नहीं, पर मैंने उसकी इंस्टाग्राम पर स्टोरी देखी थी भाई, पंजाब की साइड था। अभी हमने फोन कल भाई सुबह से मनाए रहे हम, आजा, तो मुझसे यूं करा चल आ जाता हूँ, पता नहीं आएगा वो या नहीं आता। क्या कर रही हो ऐसा? पहले मेरा पर्स बता दे, पर्स नहीं मिल रहा। पैसे दोगे क्या? हाँ, सही में हकीकत क्या बताऊँ? रियान मुझे क्या पता, ईमानदारी घर छोड़कर चला गया है वो, तो मुझे पता पूरी रात हो गई है, मगर ये है मैं क्या हो रहा पर। तो फिर क्या करना मुझे कुछ बताओ। तो भाई घर छोड़ के कोई ऐसे कैसे जा सकता है? ये 500 रुपए क्यों दे रही हो अरसान को? रिहान इतने दिनों में आ रहा है सऊदी से, दुबई गया हुआ है रिहान, तो मैं कह रही रिहान आ गया तो बर्फी बटवाऊं पूरी गली। अच्छा, तो भाई रिहान घर छोड़ के चला गया। बर्फी 500। अरे भैया जाओ तुम बाइक ले आओ, तुम लेकर आ जाओ जल्दी से। अबे चल रहा हूँ मैं भाई, समझते हो मैं रिहान का इंतजाम करो, उसकी टेंशन हो रही है। मैं वो ले लूँ डंडा वंडा ले लूँ, फिर सुहागत करने के लिए माला वाला मंगा ले। अच्छा माला फाला मंगा रही, आज तो उसकी भेड़ हो जानी है। चलो गाइस देखते हैं अभी कितनी देर में आता है रिहान, अगर आ गया तो सही है, नहीं तो फिर हमें पंजाब की साइड जाना पड़ेगा उसे ढूंढने। और तुम्हारा भाई भाग गया है, तुम्हें कोई टेंशन फेंशन है किसी बात की? कुछ पूछ ले करो। है तुम्हें टेंशन? बस ऐसे चल जाता है बंदा आके यहाँ पर रेडियो, इसे कोई टेंशन नहीं है। अरे अच्छा रिहान की खुशी माने बाजी, अले अले देखो भाई ऐसे ही करता रहेगा। अभी से सिस्टर की टेंशन नहीं रही, सिस्टर को तो भूल गया ही है। बस अम्मी को बात करता माओ, अब और अच्छा हो गया भाई, समझदार हो गया जब से सिस्टर गई है। हमने तो अच्छा कर दिया, सिस्टर देख लो ब्लॉग देख रही हो तो ये रहा। सॉरी बस सुन रहे का टमाटर सा। अब क्या करना है अम्मी फिर? अच्छा लगा लियो जीने पे सैम आते झाड़ू लड़ो या नहीं है। चलो ठीक है वेट करते गाइस, अभी ध्यान देखते हैं कितनी देर के अंदर यहाँ पर आता है। देखो भाई अम्मी के पास ये खाना मांग रहा है। भाई रिहान की कॉल आ रही है, अम्मी जल्दी से उठा लो फटाफट से, कभी कॉल कट जाए। अब पूछना क्या कर रहा है? अरे आजा घर, वो तो स्टोर पे है, जल्दी आ कब कर को। आ गया चलो जल्दी हूरा, अभी तुम खाना 2 मिनट का वेट करो। वो आ गया रिहान, अम्मी कहां दुक्कू जल्दी बताओ मुझे। अरे नहीं अंधेरे में मान लेना, अंधेरे में ज्यादा मजा आएगा। लाइट खोल दू तो भाई आज आ गया अम्मी जल्दी खुल जा। अरे कैसे बल्ब चल रहे हमारे, अरे ट्यूबलाइट ना चल रही, एक लाइट तो फूकी गई और चल गई, पंखा का चल गया। हुर तुम्हारा भाई आज बहुत बुरा पिटने वाला है, तुम देखती रहना, इसे मारो पहले। अम्मी जल्दी तो पक जाओ, मैं देखता हूँ ये जंगले में से कि ये है कहाँ पर। अब नीचे अम्मी, नीचे तो कोई भी नहीं दिख रहा है अभी मुझे लग। अम्मी आ गया, अरे कल्लो कहाँ से लेकर आ रहा, ओहो ये दोस्त की बाइक में। अम्मी आ गया, देख आ जाओ, नए कपड़े भी बाय कर रख, देख लो भाई पता पंजाब गया था और ये पंजाब के कपड़े बाय करके लेकर आया है अपने हाथों में। आओ जल्दी आओ, फेंक दो इस गाड़ी को जिसकी भी है। अम्मी चलो आ गया बस। तो गाइस आज देख रहा, अम्मी मैं सोच रहा हूँ ये वाली मैं ले लेता हूँ, अभी दोनों मारेंगे दबा कर। मैं चलो 3-2-1 आ जाओ सपोर्ट में कौन आया? हटी अम्मी हटो, हटी सपोर्ट में है, सपोर्ट में आया तू, सपोर्ट में आया तू, हटा जल्दी हटा, लठे बजेंगे आज। मारो मैं मारता हूँ, हटी आओ मैं मारता हूँ अम्मी। भाई घर से भागने जा रहा है, पागल है, तोड़ दे उसका हाथ। अब मैं मार रहा हूँ ना, जैसे मारा चलो तुम मारो, तो मैंने तो मार दिया जितना मैंने मार लिया, अभी तो स्टार्टिंग में नहीं खत्म भी हो गया क्या? मारो और आ गया, पार्टी चेंज हो गई। ओ भाई बदला हो गया यहाँ पर, जंग हो गई है बहुत। छोड़ छोड़ ना भाई, मैंने छोड़ कहा अपनी माँ कसम, तो दुकान पे नहीं छोड़ गया। कहाँ पे? दुकान पे। कौन सी दुकान पे? गाड़ी पे। गाड़ी पे वो नहीं, अल्लाह की कसम, माँ की कसम, और बताओ झूठी कसम। मैं श्याम भाई की दुकान पे से चले गया था, दानिश पे आग ना लोग देखो, दोनों गए थे, यही भागा था पर नहीं, फिर भी आके इसका मतलब वो तो लेकर भागा ऐसा रियान को।
पर मैं बता रहा हूँ ना, ये क्यों नहीं भागा, ये इसलिए नहीं भागा क्योंकि इसकी टांगे टेढ़े हो गए चलते चलते। अब पूतो लोग पंजाब में किधर गया था? गुलाम तेरे बुको बुला दू का मोटे के बैग में गया। कैसा है तो तू पागल हो रहा, देखा मिला घर में तो आएगा कभी भी आएगा, अपना घर अपना ही हो गए फोन कर लिया तेरे फायदे के लिए, तेरे बुरे के देखते लो क्या रहा तेरा हाल काला कोहरा भी सब प्रेम देखना घर जैसे हम गाँव में लौटा हमें पतले पतले चला है ऐसे भाई जल्दी दे दे मिल तल रो जा रो जा कर रो जल्दी से रो अपने भाई से रो तो ले मिलकर वो भाई इतना सेट क्यों का पैसे लेने हैं क्या उधारी क्या। अभी यार अब मैं मिठाई दिखा देता हूँ आपको कौन सी मिठाई आई है वो। अब अम्मी इतनी सारी मिठाई ले आया मेरा महबूब है भाई, मुझे लग रहा है नहीं भाई है तो मिठाई ये वो ओ अम्मी काजू कतली नहीं लाया, अरे काजू कतली नहीं है अच्छा ये वाले ओ सॉरी सॉरी भाई मैं भूल गया था काजू। अरे भाई बढ़िया एक एक अपने घर ले आओ भाई, एक कोई अपने घर ले आओ जिसे दिल करे वो अपने घर ले आओ। ओ हो भाई साहब इसके अंदर तो चांदी की परत लगी पड़ी है देखो अलग ही दिख रही है, गली में बांटना है क्या? चलो भाई सबको आ जा आ जा चलो भाई एक गरीब बच्चे मैं खिलाऊंगा अब मैं अपने हाथों से भाई ये देखो भाई यू भी नहीं आधे निकाल दो पूरी खा गई एक बारी के अंदर लाल से मैं खिलाऊंगा भाई मैं मेरे हाथ से मेरा हाथ भाई नहीं आ जल्दी 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 आ भाई ने नसीब हो गई है ले भी अरे मैं चलो भी गरीब बच्चा है लो तो आई आज वोटिंग भी और ध्यान घर वापस भी आ चुका, तो इसलिए हम मिठाई बांट रहे हैं सबको। झाड़ू को बोर्ड बेकाने इसलिए बांट रहे हैं खुशी झाड़ू जीत जाए पहले खुशी मिलनी वाली। अरे दिल से यकीन होता है केजू अगर आप ये वीडियो देख रहे हो हाथ को हमने दी झाड़ू को अरमान के इधर पड़ रहा ना सेक्शन सेक्शन वो आजीवा सेक्शन की स्पेलिंग बताओ जल्दी बोल दिया हो गया काम यहाँ पे ना सब अनपढ़ है बस बोल देते हैं मुझे छोड़कर तू बता दियो ये भाई आ रहे हैं जयपुर की साइड से, ये है जयपुर में कचरा बस्ती। और भाई कैसा घर कैसा मिल गया तुम्हें मेरा? मैं नानी के आता। अच्छा और सब बढ़िया जयपुर में? कितने लोग देखते कम से कम क्या लगता है तुम्हें? कम से कम 50 50 बंदे देखते हैं या और मोहल्ले में दोस्त वो सब? अच्छा मोहल्ले में सब देखते हैं। अरे भाई बढ़िया चलो किसी दिन आएंगे मिलोगे इंशाल्लाह खातिरदारी करोगे इंशाल्लाह। अब भाई के ना आओ मत बहुत बढ़िया लगा इंशाल्लाह आएंगे भाई आपसे मिलेंगे पक्का। पर सारी महफिल खड़ी है रिहान के आने पर हो रही है भाई एक पार्टी जश्न ऐलान। ओहो सोने का फोन करा लिया भाई देखो रिहान ने लिखवाया आर एस आर एस का मतलब होता है रस ना नहीं अम्मी का कौन लिखवाएगा ये तो बताना नहीं चाह रहा। चलो कोई दिक्कत नहीं गाइस चलते हैं थोड़ी सेलिब्रेशन करने। अब तू लोकेशन दे दे कि लोकेशन कहाँ पर होनी चाहिए, खाना तो ये रंग चाहिए या खाने में कैसी डिश है जो कुछ भी। चलो गाइस मैं लेके चलता हूँ अभी कान निकालते हैं फिर फटाफट से भागते हैं यहाँ से। मेरा
देखो हमने यहाँ पर गूगल मैप लगा रखा है, क्योंकि भाई हमें रास्ता ना कहीं का भी सही से याद नहीं रहता है, भूल ही जाता है, मैं थोड़ा थोड़ा याद है, मैं क्यूरियस को लो। और एक तो भाई जब से ये वाली यहाँ पर ये भट्टी के अंदर लाइटें लगी है ना, मैं कुतुब मीनार समझता हूँ, फिर बाद में देखता हूँ ओहो भट्टी है ये। आज दिल्ली के अंदर इलेक्शन थे ना, तो देखो सारे रोड कैसे खाली पड़े हुए हैं, और अगर ऐसी हमें डेली रोड मिला भाई कितना जाने में आसानी होगी। इतना मजा आ रहा है ना कार चलाने में, बिल्कुल बहुत ही आनंद हो रहा है हमें। भाई अंदर तो चलो भाई लेट्स गो। आज ना हमारे पहली बार ऐसा हुआ, हमें लाइन नहीं लगानी पड़ी है, डायरेक्ट हमें एंट्री मिल गई है। चलो भाई आ जाओ भाई, आज की पार्टी बड़ी खतरनाक होने। अबे मैं तो कंफर्टेबल भी नहीं हूं, देखना भाई कहां पर बैठूं, क्योंकि ये ना है तकिया इतना मोटा, इतना नहीं इतना ही मोटा है, पूरा हाथ के बराबर आया था। ये लो भाई मैं नहीं आ गया, कौन ऑर्डर करेगा भाई, मैं करूं तुम करोगे? थैंक यू उनसे आते ही कह रहा थैंक यू। थैंक यू की स्पेलिंग बताइए जरा एक बार। अरे तो ये मुझे समझ में नहीं आता, इतने बड़े बड़े यहाँ पर ये मेन्यू आए थे, एक ये रहा और एक इस साइड में है, बताओ भाई क्या ऑर्डर करूँ? एक तो इन्हें पता भी नहीं नॉलेज कि इन्हें क्या काम, महंगे महंगे रेस्टोरेंट में पहली बार आते हैं, तो यहाँ पर सारी चीजें मुझे ऑर्डर करनी होंगी। तो मैं भाई ना मैं आइटम करूँगा टिक्के वाली बोटियों के, जो टेस्टी लगे ज्यादा। यहाँ पर ऑर्डर दीजिए, बताना भाई क्या 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 है। दो प्लेट मटन टिक्का, एक प्लेट तंदूरी चिकन, एक कढ़ाई गोश्त, एक बैंगन का भरता, एक प्लेट मटन चौपन कबाब, एक अफगानी सैलेड। अच्छा बस ये क्या, आप ये मंगा दो, और अगर हमें और भूख लगी तो हम उसके बाद और ज्यादा मंगा लेंगे, ठीक है ना? आप इतने जल्दी से फटाफट से ऑर्डर ला दीजिए हमारा। भाई इतना सारा ऑर्डर कर दिया मैंने, आप खाते खाते थक जाओगे, क्योंकि तुम्हारा पेट नहीं बनने का है। मैंने गलत बोल दिया, खाते खाते थक जाओगे, खत्म नहीं होने का है, पर हमने जितना ऑर्डर करना था भी हमने कर दिया, उसके बाद देखेंगे अगर भूख लगी तो फिर ऑर्डर कर देंगे। और ये सामने जो भाई जो मिरर लग रहा है ना, इसमें कहा है मेरा मोबाइल को नहीं दिख रहा? हाँ भाई जूम मार के दिखा दूँ मेरा सोने का फोन। हाँ आदिष्ट हमारे सवाब आ चुके हैं, ये बनाई थी हमने सीख वाले कुछ चीज़ें, भाई करते हमारी स्पेशल है तो हमने एक मंगाई थी, और यहाँ पर ये नांद आई गई है भाई, पर इतनी टाइट होती है ना देखो, टूटने के लिए गर्मा गर्म है, पर इसे साइड में रखते हैं। और डिश ये आ चुकी हैं, ओए होए स्पेशल चीज़ भाई, जल्दी से जगह बनाओ, ये दस्तरखान तुम्हारा कम क्यों पड़ रहा है। और ये हमारा आ चुका है बैंगन का भरता, ये मैंने इस बैंगन के लिए मंगाया है, ले भाई तेरा अकेला ये बैठ के खाइयो। और ये आ चुका है हमारा अफगानी को क्या बोलते हैं भाई, से कढ़ाई गोश्त स्पेशल, ये मेरा बहुत ही पर्सनल फेवरेट है, तो इसलिए मैं जरूर यहाँ पर मंगाता हूँ। तो हमने ना खानगी आने की खुशी में हमने ये वाली सारी पार्टी करी, आई थिंक मुझे लग रहा है एक आध डिश और होगी हमारी, वो आने वाली होगी, पर कोई दिक्कत नहीं, अभी इसे फटाफट से निपटा देते हैं गाइस, पार्टी को इन्जॉय करते हैं। हाँ भाई जल्दी जल्दी से निपटा दो, खा ले बैठ रहा है। ओह सिस्टर को वीडियो कॉल कर रहा, हाय सिस्टर ये देखो हम क्या खा रहे हैं। अच्छा ओहो ये भाई अफगानी सैलेड है, और ये हमारी टिक्के वाली बोटियाँ भी आ चुके हैं भाई, नहीं भी रखो इन्हें बीच में रखो यार, एक तो इतना सा छोटा पड़ेगा। गाइस सिस्टर ने मेकअप नहीं कर रखा, फेस में दिखा रही सिस्टर। ये देखो गाइस सिस्टर को मैं दिखा रहा हूँ वो आराम से। चलो गाइस सही है, अपना एंजॉय करते हैं, फटाफट से खाना पेल देते हैं दबा कर। नाम भाई ये बकरे का गोश्त है, और ये ना इसके अंदर हड्डी वाला मंगाया हमने, टेस्टी लग रहा है बड़ा, खा के देख रहा हूँ इसका गोश्त देखो भाई, पूरा पिंक निकल रहा है अंदर से, सोचो खाने में कितना टेस्ट होगा भाई। हम तो पेल लाए हैं अभी, हमने देखो सैलेड पेला, और जो बोटियाँ थी ना वो हमने जल्दी पेल लिया, और जो सालन वही पूरा का पूरा यूं ही रह गया, उसे हम एंड में पेलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र भाई, खाना आके पेट हो चुका हमारा, यहाँ तक बिल्कुल हैवी लुक है नहीं, थोड़ा सा यहाँ तक हुआ है, क्योंकि अभी हम कहीं और भी जाएंगे ना, तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे, पर जितना भी था ना हमने सारा खा लिया है, सिर्फ हमारा बच चुका है बैंगन का भरता है, बस दिखा देना एक बार। बैंगन का भरता था ये हमने ऐसे छोड़ दिया, किसी ने भी ट्राई नहीं करा, पर जितनी भी अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें हैं ना भाई खा गए। और ये देखो चाय चाप थी ऐसे फैल गए, और हमने एक सैलेड और मार लिया भाई, नींबू आ चुके हैं, ओए होए ये भाई नींबू, ये देख तो नहीं रहा, वो देख तो नहीं रहा, देख तो नहीं रहा कहाँ भाई नींबू कहाँ है, ये पेट में से निकल गए। लो भाई नींबू नहीं छोड़ो उसमें दबा कर। अबे नहीं आज मैं आया था, आज खुशबू आ रही है सच में, अबे वेस्ट नहीं अच्छा नींबू है, मैं सच्ची कह रहा हूँ, अबे निचोड़ लो इतनी देर लगा रहे हो। ये देखो आई डोंट लाइक दिस, दिस इज वेरी कड़वास का, पूरा टिश्यू पेपर का बॉक्स खाली करते हैं यहाँ पर, टिश्यू और नींबू ही नींबू, सारे नींबू बताऊँ कहीं में डाले इन्होंने, इस बोतल के अंदर पहिए कम से कम 4-5 नींबू इन्होंने इसमें निचोड़ दिए, पता नहीं कैसा इंसान, और इन्होंने सैलेड ही नहीं खत्म हो रही, एक सैलेड नमाली बस सैलेड पहले जा रहे हैं। और यहाँ पर यार पूरा हाल हो चुका है, वो भी कहेगा भाई कौन से जानवर आए थे, कि ये तो पहली बार देखा होगा उन्होंने ऐसा जानवर, बड़ी खट्टा हो रहा है भाई। चलो लेट्स गो, अब करते हैं पेमेंट की, हमारा बिल कितने का हुआ, खा तो लेते हैं खुशी को, जब पेमेंट का वो आता है ना तो बहुत दुखी होता है। चलो भाई आ जाओ, लेट्स डू इट एंड कम टू गोवा। ओ सॉरी बाहर को, तेरी चाल बल्ले बल्ले, तेरा पेट बल्ले बल्ले भाई। मैंने ना जो भाई गेट खोल लेते वो कह रहे भाई कुछ करके चले आओ, मैंने कहा अंकल तुम भी क्या रहोगे, इनकी लो 50 का नोट, बल्कि उन्होंने सिर्फ हमारे लिए दो बार गेट खोला था, एक बार अंदर जाने के लिए, एक बाहर आने के लिए।
पर जो नो की स्माइल थी स्माइल बिल्कुल खुश हो चुके थे देख के। और ये देखो हम कार ना कैसे खड़े कर गए, तो बाहर निकल लिया। अब क्या करें भाई, यहाँ पर पार्किंग की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, यहाँ पर खड़ी करते हैं सारी। और ये को टेंट बिल्लो खड़ी है, स्कॉर्पियो अच्छी भाई। लो भाई लो लो लो, हो गई। इंडिया गेट के साइड में आए थे, यहाँ पर इतना आधा घंटा हो चुका है मैं ट्रैफिक में फंसे, पता नहीं यहाँ पर क्या सीन हुआ पड़ा है भाई। कभी इधर से जाम लग जाता है और कभी इस साइड से जाम लग जाता है। अब देखते हैं गाइस क्या करते हैं। मैं सोच रहा हूँ इंडिया गेट पर 2 मिनट घूमने आते हैं, पर अब यहाँ पर ना वो कह रहे हैं पुलिस वाले भाई 10 बजे वैसे ही बंद हो जाएगा, पब्लिक को यहाँ से निकाल ले रहे हैं। तो अब मेरा दूसरा प्लान बना है कि हम कनॉट प्लेस घूम जाते हैं, और बराबर में देखो कौन देख कस रहा है चला गया आगे। तो बस कनॉट प्लेस जाते हैं, इंडिया गेट जाते हैं, ये दोनों में भी कन्फ्यूजन है। अभी हम पार्किंग में लाइन में लगे थे और यहाँ पर भाई बच्चों ने सब्सक्राइबर मिल चुके हैं, और उन्होंने वहीं से देख लिया तो भाग भाग कर। और बच्चों कैसे हो, बढ़िया व्लॉग्स देखते हो डेरी है, बोलिए आप शर्मा रहे हो। अच्छा सिस्टर के भी देख रहे, अरे कैसे लग रहे हैं सिस्टर के ब्लॉग्स। चलो गाइस सिस्टर, अगर सिस्टर ब्लॉग्स देख रही हो तो आपके ब्लॉग सबको पसंद आ रहे हैं, आप सही ऐसे देखते रहो, शेयर भी करना आ गए। ठीक है भाई, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर भाई, बड़ी मेहनत कराई बच्चों ने, भगवाया मेरे को। अरे कोई नहीं, मैं कल आपको ब्लॉग में डाल दूंगा पक्का, सही है ना। अब शेयर करनी है पर आपको वीडियो, ये तो बोल ही नहीं रहे भाई, ये सबसे ज्यादा दिखता है। अच्छा नाश्ता बाद में होता है, पहले अरमान को लगाओ। अरे चलो भाई शुक्रिया, आप एक बार नाम तो बता दो अपना। अयान, अरे बढ़िया, चलिए ठीक है। एक घंटे के बाद ना हमें फाइनली पार्किंग मिली और हमने गाड़ी वहाँ पर लगा दी, और अभी आ चुके हैं इंडिया गेट के तीसरे वाले पार्क में। गाइस एक उस साइड है, एक उसके आगे, फिर अब हम तीसरे वाले में खड़े क्योंकि भाई पार्किंग यहीं मिली थी। और ये ब्लू वाली लाइट इतनी प्यारी लग रही है ना, दिल खुश हो चुका है। रात का पानी देखो कैसा चल रहा है। आज ना ध्यान की आने की खुशी में पार्टी बिल्कुल भाई बेस्ट हो चुकी है, और हम इतना ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, खूब मजा आ रहा है हमें। इतना क्राउड इंडिया गेट पर, मैं तो सोच रहा बंद होने वाला है, पर पब्लिक तो भाई सब लाखों में आ और ज्यादा तादाद है, पता नहीं किस इलेक्शन की वजह से इतनी पब्लिक आई भी आज यहाँ पर। चलो सही है, और मेरे ना भाई शूज नाली में कुछ चुके हैं, काले काले हो चुके हैं, पर मैं अभी यहाँ पर पानी के अंदर पैर डालूंगा तो मेरा पैर बिल्कुल चमक जाएंगे। तो बिल्कुल भाई बेस्ट पिकनिक चल रहे हैं यहाँ पर लोगों की, ये देखो कैसे एंजॉय कर रहे हैं। कौन एक चीज दिख रही होगी, ये हेलीकॉप्टर देखो कितने सारे, पूरे इंडिया गेट पर सिर्फ हेलीकॉप्टर ही हेलीकॉप्टर हो रहा है, वहाँ से लेकर स्टार्टिंग करिए ना, ये देखो बस पूरा बच्चों के पास हेलीकॉप्टर है। आज हेलीकॉप्टर वाले ना मालदार हो गए। अभी हम क्या हो गए तो घूमते घूमते थक गए, तो अभी हम घासों में आगे लेट चुके, और घासों में इतना सुकून मारा, पर देखो जब भी मैं हाथ मारो ना ये मच्छर निकल रहा, मच्छर पर काटने वो ना छोटे छोटे भुन के वो वाली सीन हो रहा है। और यहाँ पर ये भाई बोतल वाला खेल रहे हैं कि कौन किसकी फिलिप आती है। ओहो एक चंडी मारो भाई, चंडी चंडी खेल रहे हैं। और यार इनकी ना मम्मी खोजूँ, कहाँ है तुम्हारी मम्मी, हैं मम्मी कहाँ पर है, उस साइड है। तो भाई बहुत देर से रो रही थी, तो हमने पता मैंने कि इनकी मम्मी कहाँ है, ये कह रही है वहाँ पर बैठा, आओ मैं चलता हूँ लेके, ठीक है ना, रास्ता पता है ना तुम्हें। यार कितनी से बच्चा है बेचारा भाई, से मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक इसकी मम्मी नहीं मिलेगी, इनके मम्मी के पास छोड़कर आऊंगा। चलिए भाई हमें इतनी पूरे इंडिया गेट घुमा दिया, पर इनकी मम्मी पागा भी पता नहीं लगा, बस यूँ कह रही है आगे चलते रहो आगे चलते रहो। हमें इतनी दूर चल के आ गए पर अभी तक मिल नहीं रहा है। अब मुझे लग रहा है यहाँ पर जो पुलिस वाले होंगे ना भाई, उसे दे दूंगा इन लड़की को, वो छोड़ देंगे। पता है मम्मी कहाँ पर बैठी है आपको, बस देखो भाई कितनी सी बच्ची है, इधर दिखाना फेस। नाम क्या आपका, नाम भी नहीं पता, बस नर्वस हुई पड़ी है। चलो कोई दिक्कत नहीं, गाया अभी सब अपने साथ ही लेके मैं चलता हूँ उनके मम्मी पापा को ढूंढवाने। दे दी हमने देखो इनों की फैमिली को, ये जा रही है बिल्कुल हैप्पी हो चुके हैं, इतनी देर से अभी ढूंढ रहे थे, पर हमने एक अच्छा काम कराया। तो वीडियो को भाई लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, दोनों भाई के लिए 2 लाख सब्सक्राइबर का, तो हम तो यही मांगते हैं आपसे। ये खड़ी हमारी कार, और यहाँ से देखो पार्किंग है पूरी, यहाँ से लेके एंड तक बिल्कुल भाई पूरे में जाम ही लगा पड़ा है। अब गाड़ी में सोच रहा हूँ 5-10 मिनट के बाद निकालूँ, आराम से भी गाड़ी यहीं पर खड़ी रहने देता हूँ। और यहाँ पर दुफान आया हुआ ना, पूरी टिक गिर गई है यहाँ पर, और ये कहाँ आ रही है पब्लिक। भाई जो मैंने अम्मी के लिए वहाँ से सीरियल पैक कराया था ना भाई, वो इतनी गर्मी के मारे ना गत्ता पत्ता पूरा गल चुका, और पूरी कार में टपक टपक हो रहा है। अब मेरा दिल कर रहा था फेंक दो, फिर यार अम्मी का इतना दिल था खाने का, पर यार थोड़ी देर मैं इसलिए एसी चला रखी है, उसके मुंह पर कर रखी है, मैंने की जमजात तो थोड़ा कंट्रोल में आ चुका है। तो गाइस अब हम जा रहे हैं घर पर, बहुत मजा आ चुका है घूमते घूमते, अब थक चुके हैं, घर पर जाके ब्लॉग एडिटिंग करनी है। और यहाँ पर रोड चेक करो भाई, पूरे खाली, कोई भी दिक्कत नहीं। बैटरी वाली देखो कार है, देखो अब यहाँ पर लगाना पड़ रही है धक्के, और ले लो बैटरी लग भाई अच्छा खासा 11-12 लाख की ये कार होएगी। अब इसकी बैटरी डाउन हो चुकी है, रेड लाइट में बेचारे सारे धक्का लगा रहे हैं, बेचारे एक अच्छा बंदा मिल गया था इनके उतर के कार में फिर लगाने लगे। आज मैं लेकर आया हूँ एक किंडर जो है कोल्ड ड्रिंक, और अम्मी के लिए जूस और एक कोल्ड ड्रिंक, और अम्मी तुम्हारे लिए, और मैं सीरियल आया था पी लिया तुमने, दूध बन गया था वो तो है ना, कैसा लगा पर ये बताओ। मतलब मजा नहीं आए तुझे बताओ, परसों को 27 तारीख कोई आने वाला, कौन है नहीं बताएंगे, परसों को पता लगेगी। चलो भाई सही देखते कौन आने वाला है, अभी मैं ठस्से में कैमरा बंद करने आता पूछ लूंगा, वैसे भी हमेशा 27 तारीख का भी लोग जरूर देखना, जरूर जरूर डेली देखना।
चलो ठीक है। तो भाई ये है आज की हमारी कमेंट, तो माशाल्लाह से भाई सबने बहुत ही अच्छी अच्छी कमेंट करी है। किसी ने क्या भाई मेरा ही फर्स्ट वोट था, बहुत अच्छा लगा भाई, दुआएं भी दी है, काफी अच्छा लगा। वैसे भाई कमेंट करते रहना। तो चलो आपको आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।